तो मौका है, दस्तूर है, आनंद की बौछार का गुरु है, मतलब जो भी मिलेगा आपको इस वीडियो में वो पता चल ही जाएगा। यू नो द ड्रिल, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, रोस्ट वर्स एपिसोड। मुझे भी नहीं पता कौन सा है, बस इतना पता है कि खबरें होंगी ढेर सारी, मजे का भी मेरे को पता नहीं इस बार, जोक ज्यादा लिखे नहीं क्योंकि तबीयत मेरी है ठीक नहीं। तो सबसे पहली खबर से शुरू करते हैं जो कि है अटैक ऑन, मेरा मतलब है कि इनविंसिबल सीजन 2 पार्ट 2 को लेकर रिलीज होगा 14 मार्च को। एक तो तुम्हारे पूरे सीजन में आते गिनती के 8-10 एपिसोड, उसमें से भी तुमने बताए 4, उसमें भी रसमलाई रोना अलग गाए जा रहे हो, उसके भी ऊपर से सेंट्री का रोल अलग छोड़ दिया। अगर स्टीवन भाई यूं ही चलता रहा तो फिर सुपर हीरो तो बन गए आप, और जैसे सब कुछ कम था तो जुरासिक वर्ल्ड की नई पिक्चर पे काम चालू हो चुका। और नहीं, इससे पहले आप सोचो, मैं बता देता हूँ कि ये वो जो पुरानी ट्रिलॉजी थी उससे हटके एक नई ट्रिलॉजी बनाई जा रही है। क्रिस पैट और पुरानी कास्ट नहीं होंगे इसमें, एंड ऐसा बोला जा रहा है कि ये नई ट्रिलॉजी जो है नए जुरासिक एरा को इंट्रोड्यूस करवा के एक फ्रेश स्टार्ट करवाएगी। इनको बस डीजल परिवार से मिलवा दो, वो भी फ्रेश स्टार्ट करवाने की कोशिश ही कर रहे हैं। किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि यू ईदर डाई एज एन इमोशन और लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम अ लाफिंग डायनासोर। फिर इसके बाद अगर लोग किकैस 1 और किकैस 2 के बाद किकैस 3 का वेट कर रहे थे, तो मैथ्यू वॉन ने इसको रिसेंटली कंफर्म किया है कि किकैस 3 एक्चुअली में प्रीक्वल नहीं होने वाली है, बल्कि एक फुल ऑन रीबूट होगी। और इतना ही नहीं, वो इसके रीबूट के साथ-साथ इसके दो पार्ट्स पे और भी काम कर रहे हैं, मतलब इस पूरी की पूरी मूवी को वो एक ट्रिलॉजी के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, और साथ में वो अच्छा खासा मेटा फॉर्म में जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट, अगर आप अपने बच्चों का नाम गलती से भी द रॉक या पत्थर रखने का सोच रहे थे तो पूरी तरह से भूल जाना, क्योंकि रॉक भाई साहब ने अपने नाम को पेटेंट करा लिया है। और अगर कोई भी कहीं पे भी गलती से भी इस नाम का इस्तेमाल कर देता है तो रॉक भाई साहब आकर के उसकी ऊपर से नीचे तक हायरार्की बदल देंगे संडे की तरह पीछे लग के। तो WWE और UFC का जो कंबाइंड TKO ग्रुप है उसके भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर बन चुके हैं। तो जी हाँ, जो भी अब उनके अंदर कांड चल रहे हैं विंस मैकमैन और वो जो पूरी कॉन्ट्रोवर्सी है उसके भी ऊपर पहुंच चुके हैं रॉक जी। फिर पिछले हफ्ते हम लोगों ने मैंडलोरियन की मूवी के बारे में बात करी थी, और ऐसा भी सुनने में आया था कि मैंडलोरियन का जो सीजन 4 है शायद वो नहीं होगा, लेकिन अब ऐसा बोला जा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंडलोरियन का सीजन 4 हो सकता है। लेकिन जितना लंबा मोटा और बड़ा हम सोच रहे हैं उतना भी बस ये मैंडलोरियन की मूवी के साथ में हाइप बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फिर इसके बाद मार्वल वाले अपनी यंग एवेंजर्स मूवी पे थोड़ा फास्ट ट्रैक करने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो यंग एवेंजर्स हैं अब वो यंग नहीं रहेंगे। हे सीरी, व्हाट इज द एज ऑफ हेली स्टाइनफील्ड? हेली स्टाइनफील्ड इज 27 इयर्स ओल्ड। वाह, यंग एवेंजर 27 साल की। इससे मुझे याद आया, हे सीरी, व्हाट इज द एज ऑफ फ्लोरेंस प्यू? फ्लोरेंस प्यू इज 28 इयर्स ओल्ड। मतलब यंग एवेंजर 27 साल की है और ब्लैक विडो 28 साल की। वाह वाह मार्वल वालों, वाह। खैर, स्वागत है आप सभी का अपने फेवरेट सेगमेंट में। मुंह से लाट उतर, एक मिनट थोड़ा साफ कर लूं। SSSS सिडनी स्वयंसेवक संस्थान के मेंबर बने नहीं है अभी तक, तो नीचे कमेंट कर। खैर, इसी के साथ आपको खबर दे देता हूँ कि सिडनी स्वीनी जी की नई पिक्चर मेरा मतलब है कि इमैक्यूलेट, वो तो पिक्चर देखने के बाद होगा, तो आ रही है, उसका नया ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और देखने में मजेदार था। और मैं बताना चाहूंगा कि पिक्चर बनाने वालों को भी पता था कि वो क्या बना रहे हैं, और उसी वजह से उन्होंने पिक्चर बनाई कि उनको पता है कि देखने वाले भी क्या देखने जाएंगे। हॉरर तो कम और जो भी था वो था इसमें। थिएटर्स में लग रही है 22 मार्च को। मैं मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, आप अपना देख लेना। बट खैर, ये डरने डराने हंसने हंसाने की बातें तो चलती रहेंगी। मूविंग ऑन, खैर छोड़ देते हैं, आगे कवर करना है कि नहीं करना, चलो कर ही लेते हैं अगली बात कर ही लेते हैं। एंड इसी के एक हफ्ते बाद आने वाली पिक्चर गॉडजिला एक्स कॉन्ग न्यू एम्पायर जो है उसको PG-13 डिक्लेयर कर दिया गया है। मतलब इसमें आपको खून खराबा न्यूडिटी उडिटी देखने को कुछ भी नहीं मिलेगा। लो, ये गई मेरी कॉन्ग के टट्टे देखने की आखिरी उम्मीद भी। फिर नेटफ्लिक्स वालों ने अपने दूध निकालने के मशीन से ही भी बता दिया कि स्क्विड गेम का आखिरी सीजन इसी साल रिलीज हो जाएगा, तो देख लेना। और ये मेरा इशारा था नेटफ्लिक्स वालों को कि स्पॉन्सरशिप का क्या हो रहा है आपने, वो अब से बुरा नहीं बोलूंगा, जोक भी नहीं मारूंगा। फिर इसके बाद हम पिछले काफी समय से सेंट्री को लेकर नई नई खबरें सुन रहे थे। स्टीवन यून ने जब से उस कैरेक्टर को छोड़ा ऐसा लगता है कि वहां पर एक वॉइड सा बन चुका है और अब उसे और कोई प्ले कर ही नहीं सकता। You see what I did there? लेकिन कुछ नाम है जो सुनने में आ रहे हैं, जैसे इससे पहले हम लोगों ने ऑस्टिन अब्राहम सुना था, और अब एक और नया नाम सुनने में आ रहा है लुइस पुलमैन का, जो कि काफी अच्छे एक्टर हैं। अगर ये इस कैरेक्टर को प्ले करते तो आई विल पर्सनली बी वेरी हैप्पी विद इट। लेकिन हाँ, अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो जब तक नहीं आता तब तक शांति से बैठे रहते हैं और देखते हैं व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। लेकिन नेक्स्ट खबर है रायन गॉसलिंग के MCU में आने की, और अब ऐसा बोला जा रहा है कि इनकी बात चल रही है MCU में नोवा को प्ले करने को लेके। हर रोज रायन गॉसलिंग को MCU में ला के थक गया हूँ दोस्त, अब तो आ जाओ, किसी दिन तो आ जाओ। इस बात को लेकर तो कॉन्फिडेंस है कि आएंगे,
किस रोल में आएंगे ये मुझे भी नहीं पता। खैर इसके बाद शटर खोल लेते हैं अपने साप्ताहिक डेयर डेविल बॉर्न अगेन सेगमेंट को लेके, क्योंकि इसमें काफी सारी खबरें हैं। तो सबसे पहले डेयर डेविल बॉर्न अगेन का शुभारंभ हो चुका है, बहुत ही शुभ दिन। 22 जनवरी को इन लोगों ने फिल्मिंग चालू कर दी थी, तो हम लोगों ने इस बारे में पहले भी बात कर ली थी। फॉगी, केरन और पुराने कैरेक्टर्स एक बार फिर से वापस आ रहे हैं, और इनकी फिल्मिंग के कुछ बिहाइंड द सीन्स के जो ऐसे लोगों ने अपने फोन उठा उठा के जिनसे नहीं कंट्रोल हो पा रहा है उन्होंने अब डाल दिए इंटरनेट पे, और उससे इस बात का कंफर्मेशन भी मिल जाता है। लेकिन नेटफ्लिक्स के शो से रिटर्न करने वाले सिर्फ यही दो कैरेक्टर्स नहीं है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो पुराने सीजन का रिटर्न कर रहा है, और उसको लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूं। एंड दैट इज गोइंग टू बी बुल्सआई, जिसको हम लोगों ने लास्ट सीजन में देखा था और उसको लेके लग रहा था कि अब इस कैरेक्टर के साथ क्या होने वाला है। लेकिन फाइनली हमको कंफर्मेशन मिल चुका है कि विल्सन बेथल का बुल्साई भी रिटर्न करेगा इस सीजन में। अब इस चीज को लेकर मेरी क्या थ्योरी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो ऐसा बोला जा रहा था कि इन लोगों को ऑफ स्क्रीन मार दिया जाएगा, और उस चीज का ट्रॉमा जो है वो हमें चार्ली कॉक्स के डेयरडेविल पे देखने को मिलेगा इस वाले बॉर्न अगेन सीजन में। लेकिन अब ऐसा बोला जा रहा है कि ये लोग सिर्फ 3 ही एपिसोड के लिए रिटर्न कर रहे हैं, तो पहले इनको ऑफ स्क्रीन मारा जा रहा था, अब मुझे लगता है कि ऑन स्क्रीन मारा जाएगा, सो दैट मैट मर्डॉक का जो ट्रॉमा है वो पर्सनल लेवल पे उसको भी और हम सबको फील हो, और मारने वाला और कोई नहीं ये बुल्साई होगा। तभी तो 3 एपिसोड्स के बाद जा रहे हैं लोग। खैर इसके बाद साप्ताहिक फैंटास्टिक फोर सेगमेंट की तरफ बढ़ चलते हैं। तो इस हफ्ते तो किसी ने बेयर के एक्टर एबॉन मॉस बेकराक, मैं होपफुली इनका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूं, उनसे पूछा कि क्या आप फैंटास्टिक फोर में द थिंग का रोल प्ले कर रहे हो, तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोली, आई कांट कंफर्म और डिनाई आई थिंक। अब सामने वाला बोले तो बोले क्या, वो सीधे सीधे तो बोल नहीं सकता कि हाँ मैं प्ले कर रहा हूं, लेकिन मैं बस ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपने आई थिंक नहीं आई थिंग बोला हो। एंड टू बी ऑनेस्ट आई हैव सीन बेयर और मैं इनके काम का बहुत बड़ा फैन हूं, अगर ये थिंग का रोल प्ले करते तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। लेकिन पिछले 2 महीने में 69th बार मेरे को रिपोर्ट करते हुए भी शर्म आने लगी, और शायद आपको सुनते हुए भी आने लग गई होगी कि फैंटास्टिक फोर की कास्ट लॉक इन करी जा चुकी है और आपको कभी भी इसका अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकता है। तो दोस्तों अपना कान खुले रखिएगा, कभी भी सुनने को मिल सकता है। लेकिन उसके तुरंत बाद ये भी सुनने को मिल गया कि फैंटास्टिक फोर जो है उसको फिर से लिखा जाने वाला है। नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं, मूवी मई में शूट करी जाने वाली है, मई में, और उसको अभी एक बार फिर से रीराइट किया जा रहा है। और अगर आप सोच रहे हो ना, तो आपको ये भी बता देता हूं कि इसको इतनी बार रीराइट किया जा चुका है कि इसका नाम फैंटास्टिक फोर से बदल के फैंटास्टिक 14 रख दो। खैर आगे बढ़ेंगे साप्ताहिक डेडपूल सेगमेंट की तरफ। तो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि फाइनली डेडपूल 3 ने अपनी फिल्मिंग को पूरी तरह से रैप अप कर लिया है, और इसको रायन रेनॉल्ड्स ने एक पोस्ट के साथ कंफर्म किया, जिनकी पहली बार किसी के गुप्तांगों की फोटो को देखकर कुछ फील किया, वो वाली नहीं, वो चीज नहीं, कुछ इमोशंस की बात करो, इमोशंस फील किए। फिर ह्यू जैकमैन ने भी सेम ही बात कंफर्म करी, और उन्होंने कहा कि अब शेव बनाने का वक्त आ चुका है, 26 तारीख का हम इंतजार नहीं कर सकते, हम भी इंतजार नहीं कर सकते। और फिर ये भी सुनने में आया कि लिव श्रेवर, जो कि वुल्वरिन ओरिजिन्स में सेबर टूथ का रोल प्ले कर रहे थे, वो शायद इस पिक्चर में रिटर्न कर सकते हैं। एट दिस पॉइंट अगर कोई मेरे से बोल देता है कि मेरा भी इस पिक्चर में कैमियो, तो मेरे को हैरानी नहीं होगी, और गंदे जोक्स आने फिर से शुरू हो चुके हैं। तो ये अपनी क्यू है कि अपने को जल्दी से इस वीडियो को खत्म करना चाहिए। और हमारी आखिरी न्यूज स्पाइडरमैन 4 को लेकर है। तो हम लोगों ने स्पाइडरमैन 4 को लेकर एक वीडियो बना लिया था, लेकिन इसमें अब कुछ नई डेवलपमेंट हो चुके हैं। तो हम लोग ये बात तो बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि मार्वल वाले स्पाइडरमैन 4 को लेकर, जो टॉम हॉलैंड का है, उसको लेकर एक ग्राउंडेड अप्रोच रखना चाहते हैं, ताकि वो उसको डिफेंडर्स, डेयर डेविल और जितने भी बाकी एमसीयू के ग्राउंडेड सुपर हीरोज हैं उनके साथ कनेक्ट कर सके, प्लस टॉम हॉलैंड का जो स्पाइडरमैन है उसको लेकर एक बेस बना सके, ताकि उसकी एक नई ट्रिलॉजी एस्टैब्लिश कर पाए, और वो जो उसका पूरा फ्रेंडली नेबरहुड सुपर हीरो वाला आर्क है उसको एस्टैब्लिश कर पाए। लेकिन अब आते हैं सोनी वाले, वो जो भालू और शिकारी वाली कहानी बताई थी उसको याद रखना। तो अब सोनी वालों के साथ क्या हुआ कि उनको मजा आ गया स्पाइडरमैन नो वे होम देखकर, तो उन्होंने मार्वल वालों से कहा कि हमको चाहिए स्पाइडरमैन नो वे होम 2.0, और इसी वजह से हम लोग स्पाइडरमैन 4 में भी टोबी और एंड्रयू को वापस लेके आना चाहते हैं, जो कि इस पिक्चर को बिल्कुल भी ग्राउंडेड नहीं रखने वाला, क्योंकि अगेन फिर मल्टीवर्स की कहानी बन जाएगी, और अगर ये मल्टीवर्स की कहानी बनेगी तो फिर किंग पिन, डेयर डेविल, डिफेंडर्स और एमसीयू का वो जो पूरा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन वाला प्लान था वो जाएगा टट्टी वाले पानी में, और फिर एमसीयू वाले इनके साथ क्या करेंगे वो तो यही जाने। तो जो भालू और शिकारी वाली कहानी थी उसमें पहले भालू एक ही शिकारी को सपाटे लगा रहा था, अब यहां पे 2 शिकारियों में सपाटे लगेंगे। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको पसंद आओ तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर कॉमिक वर्स पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले, कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी As always, मम्मी पापा से खा लो, भालू से नहीं, क्योंकि भालू सपाटे नहीं कुछ और मारता है। हिंदी में करके देखें, हिंदी में करके देखते हैं, ठीक है? Hey Siri, हेली स्टाइनफील्ड की एज कितनी है? Okay, I found this on the web for Hey Siri, what is the Hey Siri Hayley Steinfeld age? अरे जान अपना काम कर, वो भी तो नहीं कर रही है। ओए, लोलिता, बेबी, ओ, बुरी नजर से मत देखो,
तुम्हारी भाभी है? कब बनी? तुम लोग रुको, मैं बना के आता हूँ। ओए, मुझे भी भाभी बनना है।